देखिए बेटा, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी, ध्यान देना यहाँ पे कि रजिस्टेंस में जो चेंज आता है हमारा वो किस तरीके से आता है। मैंने आपको बताया था चेंज इन रजिस्टेंस हम थोड़ा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। चेंज इन रजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने बताया था बेटा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ बार, याद है? तो हमने कहा था टॉ बार जो है वो डिपेंड करता है ऑन टेम्परेचर। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं तो रेजिस्टेंस हमारा एक तो लेंथ के डायरेक्टली होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के क्या होगा बेटा, इनवर्सली। बात समझ आ गई क्या ये चीज? अब देखिए इनमें कई केसेस हैं जिनको हम कंसीडर करें। जैसे पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस बहुत आसान है। हम कहते हैं इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस टू एन टाइम्स, मीन्स अगर पहले लेंथ एल थी और अब लेंथ हमने एन टाइम्स बढ़ा दी बाय स्ट्रेचिंग, बाय एक्सपैंडिंग, खींच के स्ट्रेच किया, एक्सपैंड कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं। जैसे एल लेंथ थी, एरिया क्रॉस सेक्शन ए वन था, एल वन एल था, रेजिस्टेंस आर था। अब आपने इसकी लेंथ मेरे बच्चे क्या कर दी, एन टाइम्स बढ़ा दी, तो रेजिस्टेंस सर्टेनली चेंज हो जाएगा बेटा, एरिया क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाएगा। समझ गए होंगे, क्यों चेंज होगा, पतला हो जाएगा भाई। तो अब यहां पे क्या होगा, हम इन्हीं की बात करेंगे। तो आर बाई आर डैश, आर डायरेक्टली एल के हैं तो एल वन बाई एल टू कर दें, लेकिन इनवर्सली एरिया के हैं तो ए टू बाई ए वन। एक चीज देखिए, वॉल्यूम तो दोनों का सेम होगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, और एरिया इंटू लेंथ, तो ए टू बाई ए वन कैन बी रिटन एज एल वन बाई एल टू, याद रहेगा बेटा ये रख देगा हम इसमें। तो आर बाई आर डैश कितना हो गया, एल वन बाई एल टू का स्क्वायर, या आप शॉर्ट फॉर्म में बेटा ले सकते हैं आर डायरेक्टली है एल स्क्वायर की। समझ गए, अब इनकी वैल्यू रख सकते हो आप। तो यहां पे क्या आएगा मेरे बच्चे, आर बाई आर डैश, एल वन क्या था एल, ये एन एल था, तो वन बाई एन स्क्वायर। तो अब नया रेजिस्टेंस एन स्क्वायर बढ़ा या घटा, अब देख रहे होंगे कि पहले के कंपेटिवली बढ़ गया। बात समझ में आ गई है? शो इस चीज ध्यान देना, अगर लेंथ को वन बाई एन टाइम्स कम कर देते, यहां पे ध्यान देना, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, एक नोट करके डाल रहा हूं मैं। इफ एल वन तो एल है और एल टू हमने एल बाई एन कर दिया, तो बेटा अब सीधे लिख दूंगा रेजिस्टेंस वैसे ही, अब क्या होगा एन स्क्वायर टाइम्स घट जाएगा। लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ घटाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। अब देखिए जरा यहां पे ये फैक्टर तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसमें आपको कभी कभी एक प्रॉब्लम आती है, मैं नोट करके डाल देता हूं इसको, नोट वन, और इसको बेटा नोट टू हम देखते हैं। इफ ध्यान देना, लेंथ ऑफ कंडक्टर ध्यान देना इंक्रीज बाई एक्स परसेंट, लेकिन ध्यान देना एक्स की वैल्यू लेस देन फाइव, 5% से ज्यादा ना हो। लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो कितने परसेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बेटा
इंक्रीजेस बाय 2x%। ये चीज कहां से आई? अरे मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस क्या था, 1/L² था, याद करिए। अरे अभी तो कराया बेटा, सॉरी भूल गया मैं, यहां पे एल स्क्वायर था, देखो ना। हमने कहा था कि एरर परसेंटेज, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, यहाँ पे हम प्लस वन में हमने आपको डिस्कस किया था कि अगर परसेंटेज एरर लेस देन 5 है तो हम डायमेंशन का सीधे फार्मूला लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा ये रफ कर दूं, ये वाला इसमें लगा दो डायमेंशन, क्या होगा बेटा? प्लस माइनस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100% रेजिस्टेंस में चेंज, प्लस माइनस ट्वाइस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%। ये चीज x परसेंट है ना, तो प्लस माइनस 2 इंटू x परसेंट। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस में ये कब आएगा, जब लेंथ इंक्रीज करेंगे, अगर लेंथ डिक्रीज करेंगे बाय स्ट्रेचिंग। ध्यान रखना, ऐसा नहीं एक कंडक्टर है दूसरा और ऐड कर दिया, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। खींच के लंबा करना या कंप्रेस कर देना तो फिर हमारा ये फॉर्मूला होगा। अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो ये, और अगर कंप्रेस करेंगे तो हमारा ये आएगा। ये कंप्रेस के लिए है और ये स्ट्रेच। बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अब जरूरी नहीं है कि लेंथ में ही हम चेंज करें, हो सकता है हम एरिया में चेंज कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा। देखिए, अगर मान लो एरिया को हम n टाइम्स बढ़ा दें तो क्या होगा बेटा? एरिया को अगर हम n टाइम्स इंक्रीज करें तो क्या होगा? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। आपको याद होगा r बाई आर डैश क्या निकाला था? अरे निकाला था मैंने L1 बाई L2 का स्क्वायर निकाला था, या आप इसको क्या ले सकते हो A2 बाई A1 का स्क्वायर। मिस r इनवर्सली किसकी हो गया? एरिया की, वो भी स्क्वायर के, ध्यान रखना चीज। ठीक है, अब आप रख के देखो इसमें कि A1 हमने A और A2 n टाइम्स A, तो सीधे सीधे n स्क्वायर आएगा ना बेटा। तो आप कह सकते हो कि r डैश कितना हो जाएगा, r बाई n स्क्वायर, है ना? बहुत आसान है। अब इसमें एक नोट करके अगर आप डालते हैं तो इफ परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, x परसेंट है बताया था अभी, x परसेंट है, देन परसेंट और एक्स लेस देन क्या है बेटा 5 डिग्री, 5%, देन परसेंटेज इंक्रीज की डिक्रीज, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा डिक्रीज, बाय डिक्रीज इन रेजिस्टेंस बाय क्या होगा मेरे बच्चे, बोलिए कितना हो जाएगा? 2x%। फिर वही चीज है क्योंकि स्क्वायर है, इनवर्सली है, तो यहां पे क्या हो गया डिक्रीज, एरिया हमने क्या किया इंक्रीज, समझ गए? एक पॉइंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो रेडियस, यहां पे अगला केस मैं ले रहा हूं, ध्यान देना, इफ रेडियस ऑफ वायर, बाय स्ट्रेचिंग कह रहा हूं मैं, इंक्रीज टू क्या कर दू, मीन्स R1 हमने R लिया तो R2 हमने NR कर दिया N टाइम्स। तो अब देखिए जरा इसको उठाओ, सीधे रिजल्ट को उठाओ, R बाई R डैश ठीक है, किसके बराबर होगा बेटा सीधे पाई R2 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर काट दो तो ये क्या होगा N स्क्वायर R
और आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो एन की पावर 4 आ जाएगा। तो रेडियस 1 बाई किसके है, आर की पावर 4। और यहां से जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस और रेडियस, यहां रेजिस्टेंस अगर आप देखते हैं तो आर डैश क्या होगा बेटा, बोलिए, आर और ये नीचे जाएगा एन की पावर 4। अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, समझ रहे हैं, अगर डिक्रीज करें तो डिक्रीजेस एन टाइम्स, तो मेरे बच्चे क्या आएगा, आर एस, बोलो, एन की पावर 4 हो जाएगा और क्या, क्योंकि आर डायरेक्टली आर की पावर 4 है। अब इसमें वही नोट ऐड कर दो, क्या मेरे बच्चे बोले बेटा, इफ परसेंटेज इंक्रीज इन आर इंक्रीज बाय या इंक्रीज इन आर बाय कितना, एक्स परसेंट, रेडियस बढ़ाओगे एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, देन परसेंटेज डिक्रीज इन आर क्या हो जाएगा बेटा, अब कितना हो जाएगा 4x%। अरे ये क्या है बेटा, रेडियस अगर हम डिक्रीज करते हैं तो ये है, अदरवाइज इंक्रीज करेंगे तो 1/r आता, तो अगर हम बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, घटेगी, क्यों, क्योंकि तो ये 1/r की पावर 4 है, आप इसमें डायमेंशन लगाओगे तो ये है। तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमने आपको डिस्कस किया, इनको थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लेना। अब हम इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, लेकिन वो लेक्चर नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, इसको लेक्चर तैयार जरूर करना।